ये जरूर दर्शकों को पता नहीं। चलिए रस्तोगी जी, अपराध एक बड़ी समस्या है पंजाब में। आप लोगों ने कहा कि माननीयों की सुरक्षा हटाकर हम आम जनता के लिए हम लगा देंगे। पिछले अगर 2021 के आंकड़ों की हम बात करें तो 13% इजाफा अपराध के मामलों में। सन 2020 के अगर आंकड़ों की बात करें तो 83,000 मामले दर्ज किए गए अपराध के। कैसे, क्या आपको लगता है कितना संख्या बल है? अगर आप माननीयों की सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी लगे हैं उनको आप लगा देंगे तो अपराध कम हो जाएगा पंजाब में? रस्तोगी जी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर खराब है, उसके लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं, लेकिन एपी रूल विद अ स्टील हैंड। जहां पे सख्ती की जरूरत होगी वहां पे सख्ती की जाएगी, बिकॉज ये नॉन नेगोशिएबल है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर पे किसी तरह की कोताही नहीं कर सकते हैं, तो पूरा ध्यान ये रहेगा कि जो राज्य का माहौल है वो सुरक्षापूर्ण हो, ताकि बाहर की जो बिजनेसमैन है या बाहर का जो इन्वेस्टमेंट आना है उसको एक ट्रू एटमोस्फियर मिले, उसको बिजली टाइम से मिले, उसको रिश्वत ना देनी पड़े और उसको किसी तरह के पचड़े में ना पड़ना पड़े। तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर तो हमारा प्रायोरिटी रहेगा, और अब तो पूरा पुलिस फोर्स हमारे साथ है, तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू रूल द स्टेट विद कंप्लीट फर्मनेस। नहीं, मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि संख्या बल उतना है कि अगर माननीयों की सुरक्षा हटा देंगी, उन पुलिसकर्मियों को ग्राउंड पर आप उतार देंगे, तो जो हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, जो रेप के मामले पंजाब में आ रहे हैं, वो सब कम हो जाएंगे? जी, आपने मेरी बात का जवाब खुद ही दे दिया। जब हमने जो पुलिस का इस्तेमाल जहां होना चाहिए हम उसको वहां पर इस्तेमाल, नहीं, मैंने संख्या को लेकर सवाल पूछा, जवाब तो बेशक मैंने दे दिया। क्या आपको लगता है कि वो संख्या पर्याप्त है पंजाब की आबादी के लिहाज से? जी, संख्या की कमी नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि पॉलिटिशियंस का इतना इंटरफेरेंस होता है कि वो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाते हैं, और ये बात बहुत सारे पुलिस वालों ने ही मुझे बताई है। तो मेरे ख्याल से जब एक वेल मीनिंग गवर्नमेंट, जो कि खुद नहीं चाहती कि किसी की जेब भरे या कहीं कत्लेआम हो या कहीं कोई लूटपाट हो, तो ये बहुत बड़ा इंकरेजमेंट पुलिस फोर्स को मिलेगा कि वो अपनी ड्यूटी ठीक से कर पाए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पूरा ये जो पुलिस फोर्स है हमारे लिए काफी रहेगा, और टाइम मैनेजमेंट भी होगा, और इस तरह से प्रोटोकॉल डिसाइड होगी, और बिना बात की जिनको जरूरत नहीं सिक्योरिटी की उनको क्यों सिक्योरिटी दी जाए, तो वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बच जाएगा। चलिए, क्या आपको लगता है संजय जी की ये सही फैसला है, माननीयों की सुरक्षा हटाकर आम जनता के लिए लगा देना उनको? देखिए मुझे सागर भाई, ये तो तथ्यहीन लगता है, क्योंकि मान लीजिए 100 माननीय है, 100 पूर्व मंत्री या विधायक जो पूर्व है कह लीजिए, अब गणमान्य व्यक्ति हैं, उनके ऑन एन एवरेज अगर सिक्योरिटी फोर्सेस देखेंगे तो उनके पीछे 5 से 6 सिक्योरिटी फोर्सेस रहते हैं पर एवरेज हम बता रहे हैं। तो भैया 100 के अगर 500 कर दोगे तो 600 या 1000 भी आप पुलिस वाले निकाल दोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो राजनीति से प्रेरित रखता है। जैसे इन्होंने कहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, देखिए इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आता कि आपने प्लानिंग बना लिया, टॉकिंग वेरी गुड इंग्लिश ऑन द टीवी डिबेट एंड यू फील दैट इन्वेस्टमेंट विल कम टू योर स्टेट। यू नीड टू हैव अ ब्लूप्रिंट हाउ यू आर गोइंग टू गेट द इन्वेस्टमेंट। इफ लुक एट द, मैं इनको इन्हीं के भाषा में जवाब देना चाहता हूं कि इफ यू लुक एट द 50 इयर्स हाउ मेनी फॉरेन कंपनीज आर came to Punjab invested, nothing, because investment के there are multiple criteria which you need to change it. आपको बदलना पड़ेगा criteria क्या क्या है उसके हिसाब से investment होता है। आप यानी आप मोदी जी की बातों को समर्थन करते हैं स्टार्टअप इंडिया के लिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर की बात करने लगते हैं, बोले स्कूल से मैं सिखाऊंगी, भाई स्कूल से कोई आके बिजनेसमैन नहीं बन जाता। बिजनेसमैन जैसे मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, इट विल टेक 4 to 5 ईयर्स टू एस्टेब्लिश एनी बिजनेस। तो देखिए आपको ना बोलना ऑन टीवी डिबेट इज फैंटास्टिक, इट लुक्स गुड, मैं तो चाहता हूं कि सक्सेसफुल मॉडल बने और देश में ऐसा मॉडल बनाए, लेकिन आप बार बार तथ्यों पे नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ अच्छी इंग्लिश और अच्छे वर्ल्ड को यूज करके आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया। आप 5 साल का देख लीजिए, मुझे 10 साल का रिकॉर्ड बता दीजिए जहां पे पंजाब में इन्वेस्टमेंट हुआ हो, पंजाब में फॉरेन की कंपनी आई हो। एक और बहुत बड़ा मुद्दा था किसान का मुद्दा, जिसपे इन्होंने हमेशा बोला कि